इंदौर से बड़ी खबर, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में एक महीने से काम ठप पड़ा हुआ है। राजभवन और सरकार के टकराव से यहां पर हालात बिगड़ गए हैं। कर्मचारियों का वेतन, विजिटिंग फैकल्टी की नियुक्ति अटकी हुई है। कुलपति की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने पैदल मार्च किया। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से भोपाल राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। 17,000 छात्रों का एडमिशन अब तक अटका हुआ है। 7,000 डिग्रियों पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए। 4,200 से ज्यादा फाइलें अटकी हुई है। शालिनी हाडिया हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शालिनी, सवाल यही है कि आखिर कब तक यहाँ पर कुलपति मिल पाएंगे और कब तक जो स्थिति है यहाँ पर वो सामान्य हो पाएगी? बिल्कुल श्रवण, क्योंकि एक महीना करीब होने वाला है जब कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पाई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में देश भर से छात्र पढ़ने आते हैं। ऐसे में सीटी, जो कि उनकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती थी जिसके माध्यम से एडमिशन लिए जाते थे, वो लगातार प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते 17,000 छात्रों का जो एडमिशन है वो दांव पर लग गया है। 7,000 डिग्री के चक्कर में पेंडिंग पड़ी हुई है, क्योंकि सिग्नेचर कुलपति के ही होते हैं। इसके चलते बहुत सारे ऐसे काम है जो लगातार प्रभावित हो रहे थे, जिसके चलते अब कांग्रेस का एक दल जो है पैदल मार्च निकाल रहा है, और ये पैदल मार्च इंदौर से भोपाल तक निकाली जाएगी। राजभवन में ज्ञापन सौंपा जाएगा, उसके बाद कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि शायद यहाँ पर जो कुलपति की नियुक्ति है वो हो जाए। श्रवण, आपको बता दें कि राजभवन ने अपने तरफ से कई नामों की पेशी की थी। वो नाम उन्होंने शासन को भी भेजे थे, लेकिन शासन ने भी पैनलिस्ट की एक लिस्ट जारी की थी, लेकिन राजभवन और राज्य सरकार के बीच के तालमेल की कमी के चलते पिछले एक महीने से कुलपति की नियुक्ति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में नहीं हुई है, जिसके चलते लगातार जो छात्रों का भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है। कई ऐसे महत्वपूर्ण काम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुछ समय के बाद ही नेट की टीम भी इंदौर में विजिट के लिए आने वाली है। ऐसे कई ऐसे काम है जो कुलपति की नियुक्ति के नहीं होने के कारण प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस साफ तौर पर कहना है कि राजभवन की लापरवाही के चलते हजारों छात्रों का जो भविष्य वो दांव पर लग गया है, और उसी के चलते आज पैदल मार्च निकाल के कांग्रेस का एक दल राजभवन तक पहुंचेगा और उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा, और उसके बाद उनको ऐसा उम्मीद है कि शायद जल्द ही इसको लेकर फैसला हो जाए, क्योंकि लगातार इसके चलते अंदरूनी खींचतान के चलते हजारों बच्चों का जो भविष्य है चवन वो दांव पर लग गया है। चलिए, तो हजारों बच्चों का भविष्य यहाँ पर दांव पर लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।